टेक केयर हेल्थ इज वेल्थ इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ है पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश सप्रे जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कई सारी बीमारियां होती है, सपोज़ हमें लिपिड प्रोफाइल चेक करना है, हमें हमारा हीमोग्लोबिन चेक करना है, या किसी भी तरह की कोई अगर समस्याएं होती है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमें किस तरह की बीमारी है कि लैब में जाइए और टेस्ट कराइए। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कई सारी बीमारियाँ होती है, उसमें से आज हम किस बीमारी के बारे में जानने वाले हैं? अभी आज हम एनीमिया, जो आमतौर पर काफ़ी कॉमन बीमारी है, उसके बारे में, उसके विषय में चर्चा कर सकते हैं। जी, तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया, देखिए, अपने शरीर में जो खून होता है, वो खून का एक मुख्य कार्य ये है कि वो फेफड़े से, जो हम सांस के लिए उपयोग करते हैं, फेफड़े से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करके वो अपने शरीर के विविध अंगों अवयवों तक पहुँचाता है, और वहाँ पे उत्सर्जित हुए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके वापस फेफड़ों तक पहुँचाता है। इस तरह से एक महत्वपूर्ण कारण है अपने पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का करता है। यह कार्य खून में एक हीमोग्लोबिन नाम का रक्त घटक रहता है जी, उसका रहता है। यह हीमोग्लोबिन लाल पेशियों में, मतलब आरबीसीज के अंदर रहता है। अगर ये हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा 12 से 15 ग्राम तक रहती है, अगर यह कम होता है तो उसका इफेक्ट अपने शरीर पर जाता है, ऑक्सीजन कम मिलता है, इसलिए फिर उसके लक्षण दिखाई देते हैं। और ये हीमोग्लोबिन अगर 12 से कम जाता है तो एनीमिया डेवलप होना चालू होता है, और जितना कम होगा उतना एनीमिया डेवलप होता है, और उसके उतने उस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन कम होने की बीमारी को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया होने के पीछे कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। एक तो मुख्य कारण यह है कि ब्लड लॉस, मतलब क्रॉनिक ब्लड लॉस, ये कम ज़्यादा हो सकता है। क्रॉनिक ब्लड लॉस में कम पैमाने पर कंटिन्यूस ब्लड लॉस होता रहता है, जैसे कुछ बीमारियाँ रहती है, अल्सर है या ट्यूमर है, इससे अपने आंतड़ों में या फेफड़ों में या जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक में अगर समझो कुछ रहा, तो रोज़ धीरे धीरे कुछ खून जाते रहता है, इससे एनीमिया डेवलप हो सकता है। या जैसे महिलाओं में सामान्य तौर पर जो महावारी, जिसको मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं, अगर उसमें ज़्यादा खून जाता है तो एनीमिया डेवलप हो सकता है। फिर अगर हीमोग्लोबिन का निर्माण अगर ठीक तरह से ना हो, जैसे अगर तुम्हारा आहार संतुलित ना हो, जिसमें लोह की मात्रा, विटामिन की मात्रा उचित मात्रा में ना हो, तो भी हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होता है और एनीमिया डेवलप हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को दूसरी कोई लंबी बीमारी है, जैसे कैंसर है या रिनल फेल्यूर है, उसको भी एनीमिया डेवलप हो सकता है। और कुछ बीमारियां जैसे अनुवंशिक है, जैसे एक सिकल सेल एनीमिया जो अपने एरिया में काफ़ी तौर पर दिखाई देता है, या थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया ये अनुवंशिक है, ये मतलब अगर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, जैसे अगर तुम्हारे माता पिता में अगर वो बीमारी है तो वो कैरी ओवर होती है, दैट इज थैलेसीमिया। और तो सिकल सेल, सिकल सेल की जैसे ही होता, हाँ, है। सिकल सेल जैसे ही होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन तैयार करने वाले जो जीन्स रहते हैं अपने शरीर के, हीमोग्लोबिन ही नहीं बनता, हाँ, तो हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता। या कुछ इन्फेक्शन है, जैसे मलेरिया है, या और कुछ इन्फेक्शन जो है, जिसमें भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, या आरबीसी डिस्ट्रक्शन करने वाले कुछ और बीमारियाँ हैं जिसमें आरबीसी का लाइफ कम होता है। तो ऐसे कई कारण हैं जिससे एनीमिया डेवलप हो सकता है। जी जी, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि हमें एनीमिया हुआ है? देखिए, एनीमिया के लक्षण मुख्य तौर पर ये कारण रहता है कि उसका जो मुख्य कार्य है, जैसा मैंने कहा कि ऑक्सीजन शरीरों को, अंगों को पहुँचाना, वो जैसे हीमोग्लोबिन कम होगा वो कम हो जाता है। तो इससे सबसे प्रमुख कारण है थकान या कमजोरी, या अगर आप जो भी रूटीनली काम करते हैं उसकी करने की मात्रा ये कम हो जाती है, और फिर तुम्हारी सांस फूल के आ सकती है, कभी छाती में दर्द हो सकता है, छाती में धड़धड़ हो सकता है। ये जैसे जितनी हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी ज़्यादा कम है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, छाती में दर्द हो सकता है, या आँखों में, अगर समझो जांच करने में तुम्हारी आँखों में पेल या नाखून में पैलर आ जाता है ना, जब खून के नॉर्मली वो थोड़े से गुलाबी दिखते हैं, वो सफ़ेद दिखना लगता है। फिर जैसे हार्ट फेल्यूर जैसा होता है, हार्ट फेल्यूर टाइप जिसके लक्षण हैं, उसमें भी आपको उसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि अगर समझो आयरन डेफिशिएंसी के कारण अगर है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो मुंह में छाले आ सकते हैं, या गैस्ट्रिक एट्रोफी टाइप लक्षण आ सकते हैं, या B12 या फोलिक एसिड अगर डेफिशिएंसी है तो उसमें थोड़ा बहुत पीलिया दिख सकता है, ऐसे कई तरह के लक्षण उसके रहते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, ऐसी ही बातें और भी हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया।
हाँ, इसके काफ़ी प्रकार रहते हैं, और अगर मेडिकल बुक्स में आप देखें तो उसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो कि यहाँ की पूरी की पूरी बताना संभव नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दर्शकों। सर, क्या एनीमिया के कुछ प्रकार होते हैं? हाँ, इसके काफ़ी प्रकार रहते हैं, और अगर मेडिकल बुक्स में आप देखें तो उसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो कि यहाँ की पूरी बताना संभव नहीं है। पर आम तौर पर जो अपने समाज में यहाँ पे अपने को ज़्यादातर दिखते हैं, वो एक तो मेनली आयरन डिफिशियंसी, आयरन मतलब लोह की डिफिशियंसी एनीमिया जिसको कहते हैं, वो है, या एक तो विटामिन जैसे B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी है, वो एक आमतौर पर बहुत ही कॉमनली दिखती है। और बाकी एक अनुवंशिक जो प्रकार है, जिसे जैसा कि मैंने कहा था सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया, ये भी काफ़ी तौर पर दिखते हैं। जी, तो ये आयरन डिफिशियंसी या B12 की कमी या और तीसरा कहाँ आपने सिकल सेल, सिकल सेल अनुवंशिक जो अनुवंशिक जो होता है उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन या ठीक तरह से निर्माण नहीं होता उसका, ये बीमारियां ज्यादातर के दिखती है। जी, आप थोड़ा इसे और डिटेल में बता पाएंगे, थोड़ा सा और विस्तार में बताइए कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो बहुत ही कॉमन है, इसका मुख्य कारण है तो एक तो क्रॉनिक ब्लड लॉस, ये ज्यादातर के रहता है, मतलब किसी को अल्सर या जैसे मेंस्ट्रुअल मैंने बोला, और या GI ट्रैक या यूरिन में से पेशाब में से थोड़ा थोड़ा खून जाते रहना, ये कुछ ना कुछ अलग बीमारी के कारण ब्लड लॉस होना चालू होता है, और फिर वो एक या डेढ़ एक साल में उसको एनीमिया डेवलप होना चालू होता है। दूसरा मुख्य कारण ऐसा है कि आयरन का अगर समझो आहार में संतुलित या उचित मात्रा में ना होना, एक उसका मुख्य कारण है। और तीसरा मुख्य कारण है कि उसका एब्सॉर्प्शन, तो तुम्हारे आहार में बराबर है आयरन मगर उसका एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये क्यों होता है, ये कैसे होता है? ये जैसे आयरन का एब्सॉर्प्शन, आयरन के एब्सॉर्प्शन के लिए कुछ अपने पेट में कुछ कंडीशंस रहना ज़रूरी है। अगर पेट का तुमको कुछ विकार रहा या उसकी अगर कुछ अलग तरह से बीमारियां रही तो इसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता, ये आमतौर पे कॉमन दिखता है। अच्छा। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का और एक कारण मतलब वर्म्स इन्फेस्टेशन जो है, जन जिसको बोलते हैं, वो भी एक बहुत कॉमन कारण है। अगर वर्म इन्फेस्टेशन है तो वो तुम्हारा खून चूस लेते हैं और फिर वो अपने मल के तरफ से चले जाते हैं, तो उसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया डेवलप हो सकता है। और दूसरा जो है अपना B12 या फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, जैसा जो प्योर वेजिटेरियंस अपने समाज में काफ़ी लोग हैं जो ज़्यादातर के मीट या नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, उनमें ये B12 फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया काफ़ी दिखता है, क्योंकि ये B12 और फोलिक एसिड विटामिन जो है ये अपने अंदर के कुकिंग प्रोसेस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वेज में रहते हैं लेकिन कुकिंग प्रोसेस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हीटिंग से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए फिर उसका सप्लीमेंट रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। और तीसरा सिकल सेल जो है, सिकल सेल एनीमिया का मुख्य कारण ऐसा है कि अपने समाज में कुछ कम्युनिटीज़ में पहले कॉमन था, आमतौर पर कॉमन था, मगर अभी ऐसा रहा नहीं क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस काफ़ी अभी आजकल होती है। पर इसमें अगर माता या पिता किसी एक के तरफ से अगर वो जीन आता है, डिफेक्टिव जीन आता है, तो उसमें थोड़ा सा कम सीवियर, मतलब उसको जिसको अपन ट्रेट कहते हैं, या अगर दोनों तरफ से अगर वो जीन आता है तो ज़्यादा सीवियर डिसीज़, जैसे सिकल सेल डिसीज़ होना पॉसिबल रहता है। इसमें एक हीमोग्लोबिन तो बनता है मगर वो हीमोग्लोबिन S नामक, मतलब थोड़ा सा डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन जो रहता है, जो ऑक्सीजन शरीरों को पहुंचाने के बाद वो उसको क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं और RBC का शेप ऐसे कोयते जैसा हो जाता है, मतलब ऐसा जो रहता है सॉसर शेप या कोयते जैसा होता है, इसलिए उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये सिकल हुई RBCs अपने जो सूक्ष्म रक्तवाहिनियाँ जो रहती है, जिसको अपन कैपिलरीज कहते हैं, उसमें अटक जाती है। okay. और उससे डिसीज़ के काफ़ी लक्षण दिखाई देते हैं या RBCs की लाइफ कम हो जाती है, और इसके कारण हिमोलिटिक एनीमिया में एनीमिया डेवलप हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट में फिर बार बार इन्फेक्शंस या बाकी कोई भी बीमारी हो तो ज़्यादा सीवियर में होना ऐसा हो सकता है। और तीसरा थैलेसीमिया जो है, थैलेसीमिया में भी ये जेनेटिक डिसऑर्डर ही है, मगर इसमें हीम और ग्लोबिन में के ग्लोबिन सिंथेसिस जो है, इसमें वो दो प्रकार है, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया, और उसमें भी कम सीवियर ज़्यादा सीवियर ऐसा है ट्रेट और डिसीज़ में, होमोजाइगस डिसीज़, उसमें भी हीमोग्लोबिन बनना बिल्कुल ही नहीं होता और वो भी एनीमिया करके ये होता है। और अगर मेजर रहा, मतलब माइनर ट्रेट रहा, तो
उसको एक माइल्ड एनीमिया करके वो लाइफ लॉन्ग रहता है और नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल रहती है, मगर अगर होमोजाइगस थैलेसीमिया रहा तो वो काफ़ी सीवियर रहता है और एनीमिया और फिर उसको फ्रिक्वेंट ट्रांसफ्यूजन्स भी देने पड़ते हैं। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन जो कम होता है उसके पीछे के कारण जो है वो B12, सिकल सेल एंड आयरन डेफिशिएंसी, B12, फोलिक एसिड, ये कॉमन वैसे काफ़ी प्रकार है उसके, कारण काफ़ी है, पर ये आमतौर पर ये चार मुख्य कारण जो है जो सामान्य जनता को मालूम होना आवश्यक लगता है मुझे। तो एक चीज़ है सिकल सेल जो हम न्यूट्रिशन से फुलफिल नहीं कर सकते हैं, बट अदर देन दैट हम न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर लेते हैं तो B12 और फोलिक एसिड आयरन डेफिशिएंसी तो अवॉइड कर सकते हैं। सिकल सेल के लिए जेनेटिक काउंसलिंग, प्री मैरिज जेनेटिक काउंसलिंग काफी जरूरी है आजकल, मतलब शादी करने से पहले लड़का और लड़की दोनों ने अपनी सिकल टेस्ट कर लेना जरूरी है, और अगर दोनों में से किसी एक को रहा तो इतना उसको ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर दोनों को रहा तो उन्होंने सामने नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से हम रोक सकते हैं, उसको रोक सकते हैं और उसका रोकने का यही एक उपाय है जी। तो हम इसका निदान कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि अभी एनीमिया हुआ है? इसमें अगर एनीमिया पेशेंट को है तो उसको पहले तो डॉक्टर की तरफ से प्रत्यक्ष जांच आवश्यक है, जिसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं, जिनको अगर जैसे लक्षण है थकान या कमजोरी तो डॉक्टर की तरफ जाता है कि मुझे कुछ बीमार, मतलब बुखार नहीं है कुछ भी नहीं है फिर भी मुझे थकान लगती है, तो डॉक्टर नॉर्मली उसको डॉक्टर साहब को शंका आती है, फिर वो पैथोलॉजिस्ट की तरफ उसकी टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। इसमें प्राइमरीली या मुख्य रूप से हम उसका हीमोग्लोबिन देखते हैं, और आजकल काफ़ी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं काफ़ी, जो काफ़ी तुमको जानकारी रक्त के बारे में देते हैं, उसमें तुमको RBC काउंट, उसमें RBC का हीमोग्लोबिन, जैसे MCV, MCH, MCHCA काफ़ी सारे पैरामीटर दिखते हैं, तो प्राइमरीली हम उसका हीमोग्लोबिन देखते हैं और उसका ब्लड स्मियर, मतलब वो खून का एक बूंद हम एक कांच की पट्टी पे स्प्रेड करते हैं जी। और उसको स्टेन करते हैं, मतलब उसको कलर देते हैं, उसको स्टेनिंग बोलते हैं, और वो पैथोलॉजिस्ट जो क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट रहते हैं वो देख के उस पर काफ़ी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर समझो हीमोग्लोबिन कम है तो ये किस प्रकार का एनीमिया है, मतलब जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो उसके ब्लड स्मियर एग्जामिनेशन से पैथोलॉजिस्ट को उसका अंदाजा काफ़ी तरह से आता है, अगर जैसे मलेरिया है तो दिख जाता है, अगर थैलेसीमिया है तो उसके अलग अलग जो लक्षण स्मियर में रहते हैं वो दिखते हैं, ये प्राइमरी उसका इन्वेस्टिगेशन है, और उसमें अगर जैसा देता है उसे रिपोर्ट वो डॉक्टर साहब को देते हैं, और इसमें जैसी जो भी शंका है फिर उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं जी। बिल्कुल दर्शकों, ऐसी ही बातें और भी हम जानेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स है, मेथी है, पालक है, इस तरह के काफ़ी सारे मतलब फल है, फ्रूट्स है, ये इन या सैलड्स है जी। इन सभी का एक बार फिर स्वागत है दर्शकों आप सभी का टेक केयर हेल्थ इज वेल्थ इस कार्यक्रम में। सर, ब्रेक में जाने से पहले हम जान रहे थे कि हमारा आहार किस प्रकार होना चाहिए जिससे हम एनीमिया से बच सकते हैं। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स है, मेथी है, पालक है, इस तरह के काफ़ी सारे मतलब फल है, फ्रूट्स है, ये इन या सैलड्स है जी। इन सभी का समावेश अपने आहार में रहना बहुत ज़रूरी है, और अगर स्पेसिफिक हाई आयरन कंटेनिंग ऐसा अगर डाइट हमको चाहिए तो डाइटिशियंस का भी अपन सलाह या उनका भी एडवाइस ले सकते हैं जी जी। और किस तरह की जांचें अवेलेबल है? हाँ, एक बार हम ये बेसिक परीक्षण में जैसे अगर हमारा निदान हो जाता है कि इसका हीमोग्लोबिन कम है तो फिर और ब्लड स्मियर के एग्जामिनेशन में हमको समझता है कि कौन सी प्रकार का शायद एनीमिया है, तो हम उस दिशा में उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जैसे अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लगता है तो हम ब्लड में आयरन लेवल्स देख सकते हैं, उसकी फेरिटिन लेवल्स और उसकी जो 3-4 टेस्ट है वो देख सकते हैं और उसका कन्फर्म कर सकते हैं डायग्नोसिस, या उसमें और जांच ऐसी कि जैसे ESR है, अगर कोई एसोसिएटेड बीमारी रही तो उसमें दिख सकती है जी। या रेटिकुलोसाइट काउंट है, जिसमें अगर रेटिकुलोसाइट कम रहा तो भी वो एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के निदान में फेवर में जाता है। सिकलिंग टेस्ट है, जैसे सिकलिंग की अगर हमको एनीमिया कारण अगर उसकी शंका दूर करना है तो सिकलिंग टेस्ट है, वो सिकलिंग टेस्ट से पता चलता है। या HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिसमें हमको थैलेसीमिया की अगर शंका रही तो उसका कन्फर्मेशन हो सकता है। या B12 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के उसकी लेवल्स है, या जैसे अगर हीमोलिटिक एनीमिया रहा तो बिलीरुबिन की टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, या किडनी फंक्शन टेस्ट है, ये सब जांच फिर करना ज़रूरी हो जाता है, और इस जांच में फिर एक पक्का जो उसका निदान एनीमिया का एग्जैक्ट कॉज जिसे कहते हैं वो हो सकता है। या कभी कभी
आपको बोन मैरो तक के एग्जामिनेशन की जरूरी पड़ सकती है। और सो ये एनीमिया के चेकिंग के लिए इतने सारे टेस्ट करने होते हैं? हाँ, अगर जैसे एनीमिया का निदान जिस तरह जहाँ जो जिस जगह वो कंप्लीट हो जाता है फिर वहाँ पे नॉर्मली डॉक्टर स्टॉप हो जाते हैं। अगर जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और आयरन सिम ने सीरम आयरन लेवल्स किया वो कम है तो निदान पूरा हो गया, मगर नहीं होता है तो फिर और सामने ऐसे जांच आगे जाके करके जब तक ये निदान पूरा नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्ट कॉज ऑफ और इन जांचों में हमें किसी और बीमारी के बारे में भी पता चल सकता है। और बीमारी के बारे में भी कभी कभी पता चलता है जो हम जिसकी हमें शंका भी नहीं थी, ऐसी बीमारी कभी कभी पता चलती है और ये सब फिर उपचार करने में काफी उसकी मदद होती है, आसान होती है। जी जी, अभी जैसे आपने उपचार की बात कही है तो उपचार इसका किस प्रकार से होता है? देखिये, इसका उपचार फिर से जैसा है कि एनीमिया का कारण क्या है। जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसको आयरन देना है, या B12 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो उसको उसकी दवाई देना है, या जैसे अगर सिकल सेल है एनीमिया जिसमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसको फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना जरूरी है, उसको इन्फेक्शन से बाकी पेशेंट से जल्दी और ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रीट करना जरूरी है। थैलेसीमिया जैसा है उसमें अगर एनीमिया सीवियर है तो कभी कभी उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अभी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की जैसा आपने जब भी बताया कि आयरन की टैबलेट्स काफ़ी लोगों को टॉलरेट नहीं होती है, सही है, या कभी कभी आयरन ओरल आयरन जैसे एब्सॉर्प्शन का अगर डिफेक्ट है तो ओरल आयरन देने से कुछ फ़ायदा नहीं होता तो फिर उनको इन दैट केस इंजेक्टेबल आयरन या मतलब इंट्रावेनस आयन का प्रिपरेशंस भी दे सकते हैं। जी, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, एनीमिया से हम कैसे बचें? एनीमिया जैसी बीमारी ना हो, जैसी तकलीफ ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये प्रिवेंशन जो है बचना, मतलब इस बीमारी से बचना, सामान्य तौर पे बढ़ते हुए बच्चों में या न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में या स्कूल में जाने वाले बच्चों में या प्रेगनेंसी रहने वाले लेडीज़ में उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर इस अवस्था में अगर जैसे बच्चों को बढ़ते बच्चों को या स्कूल में जाते हुए बच्चों को अगर एनीमिया रहा और उसका डिटेक्शन नहीं हुआ और एनीमिया का ट्रीटमेंट इलाज नहीं हुआ तो ये बच्चों में आगे जाके शारीरिक और मानसिक विकास पूरा कभी कभी नहीं होता, उनको लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब उनका एजुकेशन में मतलब वो पीछे रह जाते हैं, शारीरिक विकास नहीं होता, फिजिकली तौर पर वो वीक रह जाते हैं, या अगर प्रेगनेंसी में समझो अगर एनीमिया रहा डिटेक्ट नहीं हुआ, उसका निदान नहीं हुआ, उसका इलाज नहीं हुआ तो जो होने वाला बच्चा है उस पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए यह सावधानी बरतना ज़रूरी है कि अगर कोई भी लक्षण आप में है तो तुरंत डॉक्टर के तरफ जाइए, दिखाइए, और थोड़ी भी शंका है तो हीमोग्लोबिन की टेस्ट काफ़ी सस्ती टेस्ट है, 50-100 रुपये में कहीं भी हो सकती है, वो टेस्ट कर लेना चाहिए, और अगर उसमें तुमको आपको कुछ दिखता है तो फिर आगे जाके और अगर उसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस करना है तो कर लेना चाहिए। और समझो अगर आपको नहीं भी कुछ लक्षण नहीं भी है तो भी अगर ग्रोइंग बच्चा है या वर्किंग पर्सन है तो उसमें साल में एक बार हीमोग्लोबिन टेस्ट करने में कोई अगर किसी तरह के कोई लक्षण भी नजर नहीं आते हैं फिर भी साल में एक बार हम हीमोग्लोबिन का टेस्ट जरूर कर सकते हैं। जैसे काफी सारे जैसे लोग शुगर की टेस्ट कराते हैं तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि शुगर के साथ में हीमोग्लोबिन भी आपने कर लेना चाहिए, भले ही तुमको आपको कुछ तकलीफ ना हो। या और एक सावधानी बरतना ये रह सकता है कि आप आहार उचित रखें, आप डायटिशियन का सलाह लें और आहार जैसे मैंने पहले ही बोला कि आहार उसको अच्छी तरह से संतुलित रखें, ज़्यादा स्पाइसी ये अवॉइड करके जो जैसे सैलड्स और वेजिटेबल सभी फल फ्रूट खाना जरूरी है। आपने अब तक बहुत अच्छी जानकारी दी है लेकिन मैं चाहूँगी आप जाते जाते हमारे दर्शकों को एक मैसेज दें। एनीमिया एक सामान्य तौर पर काफ़ी लोगों में दिखने वाली बीमारी है जो कि हीमोग्लोबिन के कमी के कारण अपने को दिखती है और जिससे सामान्य तौर पर ज़्यादा थकावट कमजोरी महसूस होना ये लक्षण हमको दिखते हैं और इसमें जैसे बढ़ते बच्चों के या प्रेगनेंसी में काफ़ी गंभीर उसके परिणाम हो सकते हैं, उनके शारीरिक और मानसिक विकास कम हो सकता है या काम करने वाले लोगों के उनकी कार्यक्षमता काफ़ी कम हो सकती है तो हमें ये सोचना ज़रूरी है कि ये एनीमिया अवॉइड करने के लिए रेगुलरली हमने एटलीस्ट साल में एक बार हीमोग्लोबिन चेक कर लेना ज़रूरी है और अगर उसको कम है सामान्य जो मात्रा 12-15 हम सोचते हैं उससे कम है तो डॉक्टर से जाके एक बार उनका सलाह ले लेना चाहिए।
स्पेशली मैं हमेशा से ये चाहती थी कि एनीमिया किस तरह की बीमारी है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे कैसे बचें, ये हमेशा से मैं जानना चाहती थी। और आपने आपका समय दिया, आपने आज यहाँ आकर हमें बताया कि एनीमिया किस तरह की बीमारी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दर्शकों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर अविनाश सप्रे जी, जिन्होंने हमें बताया कि एनीमिया किस तरह की बीमारी है, किस तरह के टेस्ट अवेलेबल है, और अगर सचमुच आपको ऐसा लगता है, आपको वीक फील होता है, या जैसे डॉक्टर ने बताया कि इस तरह के अगर लक्षण हो, तो आप ज़रूर तुरंत जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या लैब में जाके टेस्ट कराएं अपना हीमोग्लोबिन। और साल में एक बार हीमोग्लोबिन का टेस्ट होना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए टेक केयर हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं फिर मिलूंगी किसी और एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ किसी और समस्या के समाधान को लेकर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।